नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। गुरुग्राम के सेक्टर 68 स्थित माहिरा होम सोसाइटी का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद बायर्स परेशान हैं। अपने फ्लैट और पैसों की मांग को लेकर बायर्स ने आज गुरुग्राम के डीटीपी दफ्तर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद डीटीपी एनफोर्समेंट और एसटीपी संजीव मान से आवंटियों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। देखिए, ये पूरा मैसअप है अपना डिपार्टमेंट का और बिल्डर के बीच में। इसमें साफ पता चलता है कि 4 साल तक इनको कुछ नहीं पता चला कि ऐसी गलती हुई। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट द फुल इन्वेस्टिगेशन शुड हैव बीन डन और डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक होने चाहिए थे कि क्या वो ठीक है कि नहीं है। आज आपकी टग ऑफ वॉर के बीच में, डिपार्टमेंट और बिल्डर के बीच में, बायर को आपने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। दिस इज व्हाट द बायर वांट्स। क्या आप ये दे रहे हैं? स्टेट इंटरवीन क्यों नहीं करता है इसके अंदर इमीडिएटली और इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करके वो बायर को एश्योरेंस दे पूरा कि जिस टाइम पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है, जो आपका पोजेशन टाइम है, आपको उस टाइम पे मिलेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रधानमंत्री जी ने एक बार ही बोला था, सबके लिए घर होना चाहिए, एक उसका एक ये सबसेट है अफोर्डेबल। अगर हम इसी चीज़ को मान नहीं रख रहे, एक छोटा सा घर है 2 कमरे का, कोई 1 कमरे का, उसके अंदर भी ये सब गलतियां हो रही हैं, वो भी एक स्टेट ढंग से नहीं निभा पा रहा है इस चीज़ को। 1 कमरे का या 2 कमरे का घर देना है अफोर्डेबल स्कीम के अंदर, जो हर आदमी की एक उम्मीद होती है कि मेरे को एक छत मिल जाए, वो भी नहीं स्टेट अगर संभाल पा रही, तो वो बिल्ड बायर्स को या अपने सिटीजन्स को क्या एश्योरेंस देगी? ये सिकंदर चौकर का प्रोजेक्ट है जो कि साई आयना के नाम से आया था, जिसके अंदर मोहन इन्वेस्टमेंट भी पार्टनरशिप में थे। उसके बाद में जब इन्होंने अफोर्डेबल का सारे लाइसेंस ले लिए, सब कुछ हो गया, ड्रॉ हो गया, डीडीसीबी के थ्रू हुआ था ड्रॉ भी, एचआरआई इन्वॉल्व था। बाद में इन्होंने 2020 में जब इन्होंने कहा कि हाँ भाई कुछ इश्यूज़ हैं, पब्लिक नोटिस कोई जारी नहीं किया गया, कोई पेमेंट स्टॉप नहीं गई, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। उसके बाद में अक्टूबर 2021 में फिर से ड्रॉ करवाया गया एंड फाइनली नाउ 2022 मार्च में इन्होंने स्टॉप लगा दिया कंस्ट्रक्शन पे। बट द क्वेश्चन इज, दिस इज द क्वेश्चन ऑन द गवर्नमेंट बॉडीज, अगर आपने कोई लाइसेंस इशू किया था, व्हाई द डॉक्यूमेंट्स हैज नॉट बीन चेक्ड इन फ्रंट। उसके बाद में 1500 फैमिलीज़ को आपने स्टेक पे रख के पूरी पेमेंट दिलवा के अब 350-400 करोड़ रुपए का स्कैम करवा के हम कहाँ जाएं, बायर्स कहाँ पर जाएं? अब पूरा क्वेश्चन ये है कि वी वांट सीबीआई इंक्वायरी और एनी इंक्वायरी विच कैन सेव अस। मेरा नाम रणदीप कौर, हमारा मायरा होम्स में हमने अपना फ्लैट बुक किया था और 4 साल पहले 2017 में, तो इन्होंने हमें कहा था कि 2021 में आपको हम पोजीशन दे देंगे, बट अभी तक हमारी 2021 में इन्होंने पूरी पेमेंट ले ली हमारे से। अभी तक आप कह रहे हैं कि उसका, न्यूज़ में सुन रहे हैं कि उसका लाइसेंस रद्द है। हम मीटिंग पे जाते हैं तो मीटिंग में कुछ उल्टा बोलते हैं कि नहीं जी ऐसा ऐसा हो जाएगा, मिल जाएगा सब, बट अभी तक ये कुछ समझ नहीं आ रही कि हमें मिलेगा या नहीं। बहुत मुश्किल से लास्ट कोरोना में मेरे फादर इन लॉ, मेरे और देवर के दोनों की 1 मंथ में दोनों की डेथ हुई, और इधर से इनके हमें बार बार कैंसिलिंग की हमें धमकियाँ दे रही कि आपका मकान कैंसिल किया जाएगा, फ्लैट कैंसिल किया जाएगा, प्रेशर पाया जा रहा है कि पेमेंट पूरी करो, पेमेंट पूरी करो। हर 6 मंथ में हमने बहुत ही मुश्किल से ये माई भरी, बहुत मुश्किल। अभी तो वही कह रहे हैं कि आप दिमाग में गलतफहमी पाल रहे हो, ऐसा नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा, बट अभी तक तो हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। दरअसल साल 2017 में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में माहिरा होम्स ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत 1480 फ्लैट बनाए जाने थे, लेकिन फर्जी कागजात, बैंक गारंटी के साथ छेड़छाड़ सहित अन्य कई आरोप पर टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग ने माहिरा होम्स का लाइसेंस रद्द कर दिया। यही नहीं, डीटीपी द्वारा गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने में FIR दर्ज कराने के लिए शिकायत दी गई है, जिसके बाद बायर्स में चिंता बढ़ गई और अब बायर्स अपने आशियाने और पैसों को लेकर चिंता में है। मेरा नाम सचिन कुमार है, मैंने माहिरा होम सेक्टर 68 में एक 2 BHK का फ्लैट लिया हुआ है। सर, हम रेगुलर अपने टाइम से पेमेंट दे रहे थे, कोरोना के टाइम में आपको ये पता है कि सबके साथ दिक्कत परेशानी हुई थी, लेकिन इन लोगों ने उस टाइम भी हमारा लिहाज नहीं करा। इनकी पेमेंट थी 27 अप्रैल 2020 की, इन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से हमने टाइम मांगा कि 2-4 महीने में दे दो या हम जो अगली 6 महीने वाली इंस्टॉलमेंट उस टाइम पर हम दे देंगे। इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया बड़ी मुश्किल से और धमकी भरे लहजे में कहा कि ये नहीं करोगे तो हम आपका फ्लैट भी कैंसिल कर देंगे। हम तो पता नहीं कैसे कैसे करके हम लेबर से काम करवा रहे हैं। मैंने कहा लेबर से काम करवा रहे हो तो पैसा उसका हमारे पास से जा रहा है, 100% पेमेंट जा चुके हैं सर सभी लोगों की। 1498 फ्लैट है अभी सेक्टर 68 का हमें पता चला। देखिए, सबसे बड़ी बात तो अथॉरिटीज़ के तरफ से हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ये लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने मार्च 2020 में भी जो इन पे रोक लगाई उसके बारे में किसी भी को भी नहीं बताया इन्होंने, ना कभी कोई पब्लिश की न्यूज़ में, हम लगातार पेमेंट देते रहे। देखिए, माहिरा होम्स के नाम से सन 2017 में एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जिसमें 1480 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लोग हैं जिनके फ्लैट्स हैं।
उनको 2021 अगस्त में इस फ्लैट का पोजेशन मिलना था, लोग सारी पेमेंट दे चुके हैं, आज 2022 में हम खड़े हैं, मई का महीना चल रहा है, अभी तक फ्लैट का ना पोजेशन मिला है, और आज से दो दिन पहले टाउन प्लानिंग ऑफिस ने एक लाइसेंस रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया। उसके बाद सारे बायर्स में खलबली मची कि हमने अपने हार्ड एंड मनी, एक इनोसेंट बायर की हार्ड एंड मनी यहाँ पे लगी है, तो लोग आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। प्रोटेस्ट में हम लोगों ने टाउन प्लानिंग के ऑफिसर्स RS भाट, संजीव सिंह जी और संजीव मान जी, तीनों से बातचीत की, उन्होंने हमें 15 दिन में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है, और उस बीच में लोगों को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने का भी अपील किया है। ये बिल्डर जो है जी, ये समालका से विधायक धर्म सिंह छोकर जी के सुपुत्र हैं, सिकंदर सिंह छोकर। पॉलिटिकल लोग हैं, बड़े लोग हैं, हम तो एक आम आदमी हैं, छोटे छोटे नौकरियां करते हैं, और नौकरियों के दम पे थोड़ा जो पैसा जोड़ा उससे हमने ये छोटा सा फ्लैट लिया, और इन्होंने हमारे सारे सपनों को धराशायी कर दिया, सैकड़ों करोड़ों का ये फर्जी माड़ा है। माहिरा का प्रोजेक्ट है जो कि डायरेक्टर साहब ने अभी लाइसेंस कैंसिल किया, उसमें STP साहब को और दोनों DTPs, हम प्लानिंग और एनफोर्समेंट को डायरेक्शंस है कि जिसको इमीडिएटली टेक ओवर करने का प्रोसेस शुरू किया जाए, FIR दर्ज कराई जाए, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट में ये एंट्री कराई जाए। कल DC साहब से हमने मीटिंग की है, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट में हमने एंटर करवा दिया है, और लाइसेंस भी क्योंकि कैंसिल हो चुका है, रेरा में अकाउंट्स इनके फ्रीज कर दिए गए, और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करवाएंगे। देखिए, बायर्स के हक में है सरकार, और बायर्स का कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। जो बिल्डर के लिए सख्त कार्रवाई करनी है ताकि दूसरा भी ऐसा कोई बिल्डर ऐसा कारनामा ना करे, वो भी इंश्योर किया जाए। कि हरियाणा सरकार का, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का ये सपना है कि अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको घर टाइम पर मिले, इसीलिए इस पर टाइमलाइन भी दी गई थी कि 4 साल में बनेगा, और इसको इंश्योर कराना फील्ड ऑफिसर्स का काम है। तो हम नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के जो भी सपने हैं उसको बिल्कुल हम पूरा करेंगे, और लोगों को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।